आप घर बैठे असली पैसा कमाएं अपने स्मार्टफोन की मदद से। सिर्फ एक दोस्त को इनवाइट करने पर 300 रुपए कमाएं। डाउनलोड करें हेलो ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हेलो दोस्तों, ब्लडी संडे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप सभी को सच्ची डरावनी कहानियां सुनना पसंद है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही अगर आप सभी को बेहद डरावनी कहानियों की तलाश थी तो ये वीडियो अंत तक अवश्य देख लीजिए। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। मेरा नाम जलपा मुनाड़ी है। मेरे पिता अनाज और बीज बेचते हैं। आज मैं उस घटना के बारे में बताने जा रही हूँ जिस वजह से मेरी बहन बर्बाद हो गई। मुझे याद है, हम दोनों बहनें 11वीं कक्षा में बालूबा कन्याशाला में पढ़ती थी। हम दोनों जुड़वा बहनें होने के कारण हमेशा लोगों में चर्चा का विषय बनी रहती थी। एक दिन करीब 11 बजे हमारी छुट्टी हो गई। हम दोनों बहनें स्कूल के कंपाउंड में थी। तभी मेरी बहन भावना बाथरूम गई। करीब 15 मिनट हुए लेकिन वह वापस नहीं लौटी। तब मुझे चिंता हुई। मैं पता लगाने बाथरूम की ओर गई। वहाँ का नज़ारा देखकर मेरी रूह कांप गई। मैंने देखा भावना वॉश बेसन की दीवार से सटकर बैठी थी। उसके सिर से खून बह रहा था और कोई अजीब सी पहाड़ी आकृति उसके सिर से बहता खून चूस रही थी। एक पल मैं स्तब्ध होकर वह नज़ारा देखती रही। फिर मेरी दर्दनाक चीख निकल गई। तब पियोन और कुछ टीचर्स वहाँ दौड़ आए। मैं तुरंत उन्हें उस घटना के बारे में बताने लगी, लेकिन उस वक्त वहाँ मेरी बहन भावना के अलावा कोई नहीं था। वह गुमसुम सी बैठी थी। सबने उसे पूछा कि आखिर वहाँ क्या हुआ था, लेकिन वह कुछ भी नहीं बोली। वहाँ पर आए हुए सब लोगों ने पहले तो भावना के फिसल जाने का तर्क निकाला और उसके बाद उन्होंने उल्टा मुझे ही कसूरवार बताना शुरू कर दिया। उन्हें लगता था शायद हम दोनों बहनों में मारपीट झगड़ा हुआ होगा, उसी वजह से भावना को चोट लगी होगी। उसके बाद हम दोनों बहनें स्कूल से घर लौटी तो पापा ने भी उसे खूब पूछा, लेकिन भावना जैसे दूसरी दुनिया में ही जा रही थी। देर रात को भी वह बार बार उठकर घर के बाहर बैठ जाती। स्कूल में भी उसका बर्ताव अजीब हो गया था। टीचर्स कुछ भी कहें तो वह पढ़ाई नहीं करती, उल्टा उन्हें घूरती रहती। एक बार क्लास में भावना अकेली बैठी थी। मैंने सोचा उससे बात करूं। मैं कैंटीन से कुछ नाश्ता लेकर उसके पास जाने लगी। मैंने देखा भावना खिड़की के बाहर देखकर हंसे जा रही थी और अपने होंठ बड़बड़ा रही थी। अब मेरी धड़कनें बढ़ चुकी थी। मैं डरते डरते उसके पीछे जाकर खिड़की की ओर मैंने नज़र घुमाई तो मुझे वही रहस्यमय आकृति नुमा इंसान दूर खड़ा दिखा, जो बाथरूम में भावना के सिर के घाव से खून चूस रहा था। वह डरावना नज़ारा देखकर मेरे हाथ से नाश्ता वहीं गिर गया। तभी फौरन भावना मेरी ओर मुड़ी। उसके चेहरे पर बेहद गुस्सा था। उसने दौड़कर मुझे बाल से पकड़ लिया। अगले ही पल मैं जमीन पर थी। आप यकीन नहीं करेंगे, भावना ने उस दिन मुझे चेहरे पर 3 बार काटा। थोड़ी ही देर में और स्टूडेंट वहां आ गए। उन्होंने भावना को मुझसे अलग किया। मेरी जो बहन पानी भी मुझसे पूछकर पीती थी, वह अब मुझसे खूनी भेड़िए की तरह बर्ताव कर रही थी। अब स्कूल प्रशासन को यकीन हो गया था कि बाथरूम वाली घटना भी हम दोनों बहनों की ही लड़ाई थी। उन्होंने उसी वक्त मेरे पापा को भावना के काटने के निशान दिखाए। बात बड़ी साफ थी, वह लोग नहीं चाहते थे कि हम दोनों एक स्कूल में रहें। पापा ने उसी वक्त भावना को हॉस्टल भेजने का निर्णय लिया। मैंने उन्हें और स्कूल प्रशासन को खूब समझाया, लेकिन मेरी हकीकत पर किसी को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि उस शैतानी पिशाच के बारे में भावना कुछ बोलने को तैयार नहीं थी। इस घटना के बाद भावना 3 साल हॉस्टल में रही। एक दिन हमें रात को करीब 3 बजे उसके हॉस्टल से फोन आया। भावना बाथरूम के पास बेहोश पड़ी मिली थी। हम उसे घर ले आए। उसके सर पर ठीक वैसे ही घाव थे
जो स्कूल के समय मैंने देखे थे। आज भी भावना अंधेरे में अकेले बड़बड़ाती रहती है, हमेशा अंधेरे में रहना पसंद करती है। शायद हमारे स्कूल के वक्त से मेरी बहन पर पिशाच का वास है, पता नहीं उसका क्या होगा। मैं इस घटना की बात सार्वजनिक इसलिए बता रही हूँ ताकि मेरी बहन को इस मुसीबत से बाहर लाने का कोई सुझाव मिल सके। दोस्तों, ये कहानी हमारे ही एक सब्सक्राइबर जलपा मुड़ानी जी ने भेजी है। दोस्तों, उनका कहना है कि उन्होंने ये कहानी सार्वजनिक इसीलिए बताई है ताकि उनकी बहन पर आई इस मुसीबत को दूर करने का कोई उपाय मिल सके। अगर आप में से किसी को भी इस विषय में जरा सा भी नॉलेज है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं ताकि हम आप सभी की मदद से जलपा मुनारी जी की कुछ मदद कर सकें। चलिए हम आपको अपनी अगली हॉरर स्टोरी सुनाते हैं जो हमारे ही एक डियर सब्सक्राइबर ने हमें भेजी है। मेरा नाम संदीप वाघेला है, मैं एक नेवल ऑफिसर हूँ। करीब 2 साल पहले की बात है, एक प्राइवेट सेमिनार अटेंड करने के लिए मैं अपनी पत्नी रूबी के साथ पोरबंदर गया था। तब कंपनी ने हमारा ठहरने का इंतजाम चौपाटी विला में किया था। हम डिनर करने के बाद पार्टी से करीब 1 बजे रूम पर लौटे। उसी रात मेरे साथ दिल दहला देने वाला हादसा हुआ था। यकीन मानिए, उस समुंदर किनारे बने विला गेस्ट हाउस पर मौत का तांडव होता है। दरअसल मुझको खिड़की से समुंदर किनारे कुछ हलचल दिखी, शायद वहां कोई कपल झगड़ा कर रहा था। मैंने देखा उन दोनों में लड़ाई होने लगी, शायद वहां लड़की को बाल से पकड़कर घसीटा जा रहा था। मैं उसी वक्त खिड़की से कूदा, कुछ ही देर में मैं उनके करीब जा पहुंचा। अमावस की रात थी तो वहां काफी अंधेरा था, उनकी शक्ल दिख नहीं रही थी। मैं चिल्लाया कि ये क्या चल रहा है, पुलिस बुलाऊं क्या? तब उन दोनों में से किसी ने जवाब नहीं दिया, लेकिन कुछ देर बाद मुझे महसूस हुआ कि उधर खड़ा एक मर्द गुर्रा रहा था और साथ खड़ी लड़की बस छटपटा रही थी। क्योंकि उस आदमी ने उसका सिर और बाल दबोच रखे थे, अब मेरा पारा चढ़ चुका था। मैंने उसी वक्त एक बड़ा पत्थर हाथ में लिया और कदम आगे बढ़ाने लगा। मेरा ऐसा करना शायद मेरी बहुत बड़ी गलती थी। अगले ही पल मुझे एहसास हुआ कि उस औरत के पास खड़े जीव के धड़ पर सिर ही नहीं था। यह एहसास रोंगटे खड़े कर देने वाला था। मैंने उसी वक्त वह पत्थर उसके पैरों की ओर फेंका, तभी अगले ही पल उसने अपने पैरों से रेत उड़ाना शुरू कर दिया। मैं आंखें भींचता हुआ उधर से भागकर और दौड़कर हमारे विला की खिड़की के पास पहुंच गया। मैंने रूम के अंदर जाकर रूबी को पूरी बात बताई। हम दोनों सदमे से कांप रहे थे। उस वक्त हमने समुंदर की ओर नजर दौड़ाई, लेकिन वहां कुछ नहीं दिख रहा था। शायद वह परलौकिक शक्ति वहां से जा चुकी थी, और जो महिला उसके जकड़ में थी उस महिला का भी कुछ पता नहीं लगा। हम करीब 3 बजे तक सोने की कोशिश करने लगे। मुझे पक्का याद था कि हमने कमरे की लाइट चालू रखी थी। तभी मुझे एहसास हुआ कि रूबी मेरे पीठ पर हाथ सहला रही थी। उसका हाथ काफी गर्म था। उस वक्त मैंने अजीब सी गंध का एहसास किया। मेरी आंख झटके से खुली तो कमरे में घुप अंधेरा था। मैंने फौरन मुड़कर बिस्तर पर देखा तो मेरी रूह कांप गई, वहां कोई भी नहीं था। तभी मेरी नजर टीवी के पास गई, वहां रूबी गुमसुम खड़ी थी। मैं उठकर उसके पास जाने लगा, लेकिन पता नहीं क्यों वैसा मुझसे हो नहीं पा रहा था। मैं लेटे लेटे ही चीखा। तभी मैंने एक भयानक मंजर देखा। रूबी के पास पर्दे के पीछे वही बिना सिर वाला धड़ खड़ा था। उसका पंजा रूबी के सिर पर था। थोड़ी ही देर में मुझे पसीने आने लगे, मेरी आंखें भारी होने लगी। उसके बाद क्या हुआ
मुझे कुछ पता नहीं, मैं जैसे शून्य अवकाश में जा चुका था। मेरा शरीर बेहद ठंडा पड़ चुका था। ऐसा लग रहा था कि मेरे शरीर की चेतना खत्म हो चुकी है। अगले दिन मैं अस्पताल में था। डॉक्टर ने बताया माइनर पैनिक अटैक हुआ है। रूबी ने कहा रात में कुछ हुआ ही नहीं, वह आज भी यही बोलती है। लेकिन मुझे पता है उस रात का भयानक सच। इस घटना के बाद हम कभी पोरबंदर नहीं गए। मेरे पहचान वाले कुछ लोग बताते हैं कि उस विला के सामने समुंदर किनारे कई लोगों ने पारलौकिक अनुभव होने की बात कही है। शायद वह जगह खबीसों का डेरा बन चुकी है। दोस्तों, हमारे ये दोनों डियर सब्सक्राइबर्स जिन्होंने हमें अपनी हॉरर स्टोरीज भेजी हैं, उनका दिल से शुक्रिया। और अगर आप सभी भी हमें अपनी हॉरर स्टोरीज भेजना चाहते हैं तो साफ शब्दों में आप हमें अपनी हॉरर स्टोरीज हमारे ईमेल या व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। साथ ही आप हमारे चैनल पर अबाउट सेक्शन पर भी आप हमारी ईमेल आईडी और व्हाट्सएप को चेक कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, हमें कई लोग अपनी हॉरर स्टोरीज भेजते हैं, उनमें से हम कई हॉरर स्टोरीज को नहीं अपलोड करते हैं। उसके पीछे कारण ये होता है कि वो स्टोरीज हमें साफ शब्दों में नहीं भेजी जाती हैं, यानी कि उन्हें पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर आप हमें अपनी हॉरर स्टोरीज भेजना चाहते हैं तो पूरी कोशिश करें कि आप उसे सही शब्दों में लिखें। अगर आप उसे खुद पढ़ पा रहे हैं तभी आप हमें भेजें। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के पास इसे शेयर करिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरे वो सब्सक्राइबर्स जो ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं, उनके लिए मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि प्ले स्टोर पर एक ऐसी एप्लीकेशन मौजूद है जो आपको सिर्फ एक दोस्त को इनवाइट करने पर 300 रुपये दे रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हेलो एप्लीकेशन की। ये एप्लीकेशन अगर आपने अभी तक इंस्टॉल नहीं की है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अभी डाउनलोड कर लीजिए। जी हाँ, ये एक ऐसी एप्लीकेशन है जिससे आप ऑनलाइन घर बैठे सिर्फ एक या आधे घंटे काम करके काफ़ी अच्छी कमाई कर सकते हैं। इसमें आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं है। ये एप्लीकेशन बहुत ही आसान है। आपको सिर्फ इस एप्लीकेशन को वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक है वहाँ से डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद इस एप्लीकेशन पर आपको अपने फ़ोन नंबर से आपको साइन अप कर लेना है। उसके बाद आपको इस एप्लीकेशन को आपके व्हाट्सएप नंबर पर शेयर करना है। शेयर करने के लिए आपको एप्लीकेशन पर एक रुपीज़ का आइकन आएगा, उस पर क्लिक करके व्हाट्सएप पर शेयर करने का ऑप्शन होगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आप YouTube पर इस एप्लीकेशन को कैसे यूज करते हैं वो भी देख सकते हैं। बाकी ये एप्लीकेशन काफ़ी ईजी टू यूज है और आप सब तो स्मार्ट बंदे हो, आराम से यूज कर लोगे। और अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, ऐसे में हमें कोई ना कोई ऐसा काम तो चाहिए ही होगा जहाँ से हम कुछ बहुत तो अर्निंग कर ही लें। और ऐसे में हमारे पास टाइम भी काफ़ी ज़्यादा है, तो उस टाइम को कहीं अच्छी जगह पर अगर इन्वेस्ट किया जाए तो ज़्यादा बेटर होगा। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस एप्लीकेशन का लिंक है, हेलो ऐप को डाउनलोड करिए और पैसा कमाइए। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में कुछ और सच्ची और बेहद डरावनी कहानियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।